कांकेर मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कांकेर ऑपरेशन में मारे गए सभी नक्सली कट्टर नक्सली थे। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। उनका पोस्टमार्टम चल रहा है, इसमें समय लग सकता है। सरकार बातचीत और चर्चा के लिए तैयार है, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर बस्तर में शांति चाहते हैं। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि विकास कार्य बस्तर तक पहुँचे। घायल जवानों के साथ कल मेरी मुलाकात हुई थी और वे खतरे से बाहर हैं, जल्द ही वे ठीक हो जाएंगे। सभी वर्दीधारी नक्सली थे, हार्डकोर नक्सली थे, बड़ा असला उनसे बरामद हुआ है और सभी का पोस्टमार्टम आज किया जा रहा है, उन सब का चिन्हांकन किया जा रहा है। तो आज शाम तक और चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी, शायद कल तक का समय लगे। 29 शव हैं तो सबके पोस्टमार्टम में कल तक का समय लगे। पूरे विभाग में बड़ा उत्साह है इस विषय को लेकर के। जवानों ने ही बातचीत में कही कि ताड़मेटला की वो घटना याद आ गई हमको, जिसके जिसमें 76 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद दिल्ली में कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े थे और मिठाइयां बांटी थी। इसके बाद भी सरकार हर हाल में चर्चा के लिए तैयार है। कोई एक व्यक्ति बातचीत करना चाहे, दो बात करना चाहे, छोटा समूह हो, बड़ा समूह हो, जो भी हो, सरकार बात करने तैयार है। और हम हर हाल में ये चाहते हैं कि बस्तर में शांति बहाल हो। गांव तक विकास के मार्ग में बिछा हुआ जो आईईडी है वो हट जाए और गांव तक विकास पहुंचे। देखिए, मैं एकदम क्लियर कट आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि ये पूरी हमारी भावना का विषय है, इसमें चुनाव से कोई लेन देन नहीं। फिर भी चुनाव के इस समय में हर बार ये होता था कि नक्सल कुछ न कुछ इस तरह की घटना करते थे कि चुनाव के जो मतदान दल हैं उन पर दबाव बने, जो आम सिविलियंस हैं उन पर दबाव बने, उनको डराएं और सुरक्षा बलों को भी परेशान करें। लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा हुआ है। इस बार बहुत सारे ऑपरेशन्स हुए हैं और उन ऑपरेशन्स को बड़ी सफलता मिली है, जवान भी हताहत नहीं हुए हैं हमारे। ये बहुत स्पष्टता के साथ मैं सबको कहना चाहता हूं, ये विषय समाप्त होना चाहिए, बस्तर में समाप्त होना चाहिए और बस्तर के गांव तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। मैं गया था देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए कल गया था, तो एक को तो बहुत सामान्य चोट है डीआरजी वाले को, तो एक बीएसएफ वाले हैं जिनके घुटने के नीचे गोली लगी है, गोली हड्डी को तोड़ते हुए आगे निकल गई है, और एक जो हमारे डीआरजी के जवान हैं उनके जांग के बहुत करीब से गोली लगी, तो एक ही गोली ने एक जांग से पार करके दूसरे जांग को फिर चीर कर पार कर लिया, मतलब एक ही गोली ने दोनों जांग में सुराख बनाते हुए गोली बाहर निकल गई। बाकी यह है जरूर कि मैं डॉक्टरों के साथ वहां पर गया था, वो सब सुरक्षित हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं, लाइफ थ्रेटनिंग जैसी कोई बात नहीं है और जल्द ही आज ही उनका ऑपरेशन है और जल्द ही वो लोग ठीक हो जाएंगे। एनालाइज और होने दीजिए, लेकिन मैं जरूर ये कहता हूं कि पुरुष कम हुए हैं इसलिए शायद उन लोगों ने इस तरह की रणनीतियां अपनाई होंगी, लेकिन ये जरूर है कि उनके नस बल टूटे हैं, वो उनका हौसला पस्त हुआ है और इन सब से अलग है। कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सरकार मानती है और हर हाल में सरकार चर्चा करना चाहती है।